डोली भाई कैसे हो? हमको चाय कब पिला रहे हो? चाय कब पिला रहे हो? आप जब बोले तब पिलाऊंगा। आप बोले तो मैं बिग बॉस की चाय टेस्ट की थी अभी तक। अभी तक करने के लिए आज ही आया हूं मैं। भाई गाड़ी बंद कर भाई, देखो थोड़ा पीछे चलो ना भाई लोग। डोली भाई इधर देखिए, डोली भाई हमको चाय कब पिला रहे हो? अरे क्या बात है, आग लगा दो भाई। पर मीडिया वाले के साथ भी सेशन हो जाए चाय वाला। बिल्कुल हो जाए, जैसे बिल गेट्स के साथ हुआ। अब क्या करें, नसीब था मिल गया मौका। इधर देख के बोलो सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर, यहाँ देखो, अभी जब आप बोलिए, आप बोलिए, आप भी सर इधर आ जाइए। आजे भाई आ जाइए, डोली जी का आजकल टाइम। इधर देखना पड़ता है, इधर देखना पड़ता है। नहीं आप यहाँ देखिए, बोलो सामने देखिए। और वो एक नसीब था मेरा वाला, जो मेरे को मौका मिला चाय पिलाने का। क्या बात, तभी से मेरा गुड लक चालू हो गया था हैदराबाद से। जो इस बार सलमान को चाय पिलाने के लिए आए हैं, आप जैसे समझ जाइए, क्योंकि आया तो मैं बिग बॉस में, मैं चाहता हूँ कि सर को भी चाय पिलाई दो। ऐसा है, मुलाकात हुई सर से? अभी तक नहीं हुई। उनके भाई से मुलाकात एक बार हो चुकी है, वो काफी वायरल आपने देखा हो। तो पहली मीट में क्या बोलेंगे आप सलमान को? मैं तो कहूँगा सर, मैंने कभी चाहा नहीं था, मौका नहीं मिला था होना कि मैं आपके बिग बॉस में आऊँगा करके, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस में आके। और बस वो एक चेहरे पे अलग ही खुशी आती है बोलते। पिछली बार मैं मालदीप में गया था, उनके छोटे भैया से मिला था, और इस बार तो मैं डायरेक्ट सलमान खान से मिल रहा हूँ। और मैं खास करके एक बात और बता दूँ आपको कि उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट आता है। क्या क्या बात है, 27 दिसंबर। बिग बॉस देख रहे हो आप? हाँ जी हाँ। कौन अच्छा लग रहा है, कौन सही खेल रहा है? अभी तक तो डिसाइड नहीं किया हूँ, ऐसा किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, इसलिए तो अभी तक नहीं डिसाइड। लेकिन किससे बात करने वाले अंदर जाकर देखते हैं, अगर आपको पहली चाय किसको पिलाओ, बिग बॉस के कंटेस्टेंट से बात करने का, उन्हें कुछ बताने का, तो आप उन्हें क्या बताओगे, क्या एडवाइस दोगे कि आप किस तरीके से दिख रहे हो? मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि लड़ाई मत करो, क्योंकि वहाँ तो सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हैं। तो मैं बोलूँगा जितना शांत रहोगे उतना ही अच्छा रहता है। धोनी सर आप क्यों नहीं आए बिग बॉस में? देखिए मैं दोनों पहले ही बता के रखा कि मैं अपने मम्मी को और अपने शौक को छोड़ के जाता नहीं। कैसे मैं दुबई भी जाता हूँ ना 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो मेरे को घर की याद बहुत आती है। ऐसा था इसलिए मैंने डैडी को बोल दिया था सर मेरे को वापस नहीं। यानी कि आप फ्यूचर में भी अभी नहीं जाओगे? जाएंगे, अभी थोड़ा समय है, अभी तो स्टार्टिंग किया है हमने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस। वेट 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 सर, नाइस चश्मा आपका, देखो इधर सही, इधर थोड़ा एक बार लुक हो जाए। डॉली सर चश्मा मस्त है। भाई ये नहीं बोलूंगा तो है ना, डॉली के वीडियो कैसे वायरल होंगे? क्या बात है, क्या बात है, पीछे बाल दिखा, बाल दिखा, बाल दिखा। अरे डॉली। अच्छा भाई कैरी मिनाटी और पूरब ने भी आपका एक जो क्रिकेट वाला वीडियो था उसको रेप्लिकेट किया। मैं तो उसका डॉली भाई यहां देखिए, देखो भाई वो भी करते हैं, सब अच्छे के लिए करते हैं, और मेरे वजह से किसी का फायदा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, आपका इंस्टाग्राम पे मीम भी बहुत ज्यादा बनता है, उसको कैसा देखते हो आप? देखिए है ना, हमारे भाई सारा सारा का सारा हैंडल यही करते हैं। अच्छा जी हां, मेरे को जहां जहां जाने के लिए मिलते तो ये फिक्स कर देते हैं, मैं निकल पड़ता। लेकिन कभी कभी ना ऐसा ट्रोल भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं और ट्रोल भी करते हैं, ट्रोलिंग को आप कैसे देखते हो? मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना, ये सब पब्लिक के छत हैं, बस अपने को चल रहा है चलने देते हैं। एक बार आपके टपरी पे कोई चाय वो फोटो निकालने आया था आपका फ्रेंड, आपने मना कर दिया था, ऐसा क्यों? देखो हाँ, सडनली एकदम से मना कोई नहीं करता है। अब कैसे, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अभी मेरे सामने है ना गेस्ट, यानी हाँ कस्टमर, कस्टमर है खड़े हैं, अब उनको मैं चाय दूँ कि इनको फोटो दो, क्योंकि मैं चाय पिलाऊंगा तो मेरा घर चलेगा, क्या बोलते हैं? जी हाँ, मैंने हर काम किया हूँ चाय जैसे, कैसे अपने स्टाइल में काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टाइल में रहना, काम करना बहुत अच्छा लगता है, उसमें कैसे थोड़ा समय भी मिल जाता है, पता नहीं चलता। कभी हाइजीन को लेकर ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आप ऐसे चाय बनाते हैं जीप को लगाकर टन को? पर असल में वो मैं लगाता नहीं, क्योंकि मैं तो इतना ये नहीं हूँ कि किसी भाई लोगों को अपनी झुकी चाय पिलाऊंगा, उसके पैकेट को लगाऊंगा, ऐसा है। अपने को पता चलता है कि इसके अंदर में इतना गैप रखना पड़ता है, बस मैं अपने थोड़ा सा स्टाइल की वजह से काम कर लेता हूँ। लेकिन आप जिस तरह वायरल हुए बनाते, वैसे सूरत में, गुजरात, दिल्ली बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं वायरल होने, उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए ये बहुत अच्छी बात है ना, मैं तो चाहता हूँ कि भाई है ना, आप दिन भर है ना, एक दिन में नहीं, आप रातों रात वायरल हो जाओ। बिल्कुल, अगर आप मेरे को कॉपी करके वायरल हो रहे तो और अच्छी बात है।
संदेश कुछ पूछ रहे? संदेश भाई संदेश कुछ पूछ रहे?